एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं हाइड्रोजन एटम, बोर्स एटॉमिक मॉडल और कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और तब तक ट्राई कीजिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तब जाकर ही आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो जो आपका पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 1215 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड सीरीज लिमिट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से आपको मैं दूंगा कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी समझते चलें और साथ ही साथ आपको इजी टू टफ क्वेश्चंस की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, उसमें सबसे पहले आपको देखना है लाइमन सीरीज कहाँ है। तो आप जानते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए सोल्यूशन लिखते हैं। लाइमन सीरीज के लिए आप जान रहे हैं 1/λ इज इक्वल्स टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनकर आएगा। ठीक है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n यहाँ वेरी करेगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 से ट्रांजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है आपकी उसका मतलब FIRST, फर्स्ट लाइन यानी कि फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर ऐसे ही बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलता तो 3 से 2 होता। ठीक है, सेकंड लाइन बोलता तो इसमें लाइमन सीरीज में सेकेंड लाइन 3 से 1 होगा, थर्ड लाइन 4 से 1 होगा। ठीक है, और देखिए एक और चीज इसमें इस यूज किया हुआ है। देखिए सेकेंड लाइन पूछा है तो सेकेंड लाइन कौन सी होगी, 3 से 1। ठीक है, और सीरीज लिमिट पूछा है तो फर्स्ट लाइन अगर 2 से 1 है तो सीरीज लिमिट क्या होगी। सीरीज लिमिट जो होती है, सीरीज लिमिट किसको कहते हैं, जब n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल्स टू 1 पर ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और यही आप जानते हैं कि जो आपकी पहली लाइन होगी, पहले लाइन के करेस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी का गैप कम होगा, है ना। n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एनर्जी का गैप कम होगा। यानी कि यही जो वेवलेंथ होगी इसी को आपने एक और नाम दिया था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और जो सीरीज लिमिट होगी यानी कि n इज इक्वल्स टू आप इनफाइनाइट पे आ जाएंगे और n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से जब 1 पर आएंगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी, होगी ना। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ अगर लैम्डा से दिखाएं तो लॉन्गेस्ट लैम्डा और शॉर्टेस्ट लैम्डा। ठीक है, यहाँ लॉन्गेस्ट होगी, यहाँ शॉर्टेस्ट, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सीरीज लिमिट। ठीक है, तो यही है आपकी सीरीज लिमिट वेवलेंथ या सीरीज लिमिट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है उसका वेवलेंथ 1215 एंगस्ट्रॉम है। तो फर्स्ट लाइन के करेस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने ऐसे ही बस लिख दिया है। ठीक, फर्स्ट लाइन जो है ये है, उसके करेस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू आर इनफाइनाइट, और देखिए जेड स्क्वायर भी है, लेकिन जब हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो गया, 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है, इनटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4, यानी कि आ जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू 3r∞/4। ठीक है, यानी कि लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 4/3r∞।
और ये लैम्डा किसके बराबर है, 1, 2, 1, 5 एंड स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका यहां से जो चीज आपको दी गई थी वहां से हमको एक रिजल्ट मिल गया। ठीक है, 1, 2, 1, 5 एंड स्टॉप, एक रिजल्ट मिल गया। अब पूछा क्या है, बोल रहा है कि सेकेंड वेवलेंथ, सेकेंड लाइन आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या आप वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो अब देखिए सेकेंड लाइन के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर सेकेंड लाइन n इज इक्वल्स टू 3 to n इज इक्वल्स टू 1। अब इसके लिए क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इनफाइनाइट, z स्क्वायर अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 स्क्वायर ही होगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा 8 r इनफाइनाइट अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 8 r इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए r इनफाइनाइट की वैल्यू तो आप जानते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या हुआ कि r इनफाइनाइट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखेंगे बल्कि यहां से ले आकर रखेंगे। तो देखिए यहां से r इनफाइनाइट आप क्या निकाल सकते हैं, r इनफाइनाइट आपका हो जाएगा 4 अपॉन 3 into 1215 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से इसकी इसके यहाँ पर रख दें अगर, तो आ जाएगा आपका 9 अपॉन 8 into आर इनफाइनाइट की वैल्यू है 4 अपॉन 3 यानी कि इंटू 3 न्यूमरेटर में इंटू 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आ गया 9 3 जा और 8 4 जा ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1025 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका वेवलेंथ आ गया सेकेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सेकेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग। एक और चीज इसमें पूछी है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक और चीज पूछी है सीरीज लिमिट क्या होगा। ठीक है, सीरीज लिमिट क्या होगा, तो सीरीज लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल्स टू 1 की ओर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, और सीरीज लिमिट r इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट भी इसको लिखते हैं ठीक है और ये हो जाएगा आपका r इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो यानी आ जाएगा r इनफाइनाइट ठीक है यानी कि यहां से लैम्डा इनफाइनाइट क्या आ जाएगा 1 अपॉन r इनफाइनाइट और r इनफाइनाइट की वैल्यू आपने देखी यहां लिख रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यूज करेंगे तो आ जाएगा 3 into 1215 upon 4। ठीक है, ये आपका लगभग क्या आ रहा है, 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आपका 911 बताइए कितना बुरा दिन है, 911 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, देखिए सीरीज लिमिट आप यहां से देख सकते हैं, पहले लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे अधिक है क्योंकि एनर्जी सबसे कम होगी, दूसरे लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उससे कम, और जो आपका सीरीज लिमिट है जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का गैप सबसे अधिक होता है उसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका वेवलेंथ सबसे कम आ रहा है। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से होता है, लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। देखिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं पड़ रहा है, ना तो 1215, ना तो 1025 और ना तो 911। ठीक है, ये तीनों कहाँ पड़ रहे हैं, ये तीनों के तीनों यूवी में पड़ रहे हैं, यूवी रेंज में पड़ रहे हैं।
ठीक है। तो इससे भी आपको अंदाजा लग जा रहा है कि अगर लाइमन सीरीज दिया हुआ है तो ये पक्का यूवी रेंज में ही पड़ेंगे। अगर आपका आंसर यूवी से अलग कहीं आ जा रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती कर रखी है पक्का, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, अगर पहली लाइन बामर सीरीज की उसका वेवलेंथ है लैम्डा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्वेश्चन है कि अगर बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ लैम्डा है तो लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जरूर इस क्वेश्चन को एक मिनट दो मिनट ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका गेट में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गेट में आया होगा, ये क्वेश्चन शायद जेस्ट में आया होगा, मैं देखकर कंफर्म कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका जेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन आपका जेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही 2012 के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है, खासकर इस पोर्शन से, मतलब पहले चैप्टर से आसान ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये होगा इसका, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो ही सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपसे रिकमेंडेशन है कि जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, बिना आपके ट्राई किए नहीं होगा। ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, पर आपके मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपके पढ़ने से होगा, ठीक है। तो चलिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइमन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन क्या है बामर सीरीज की, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा दिया ही हुआ है तो वन अपॉन लैम्डा, आर इनफाइनाइट, हाइड्रोजन दिया है तो वन हो जाएगा जेड, ठीक है, वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू टू से थ्री, फर्स्ट लाइन के लिए टू से थ्री। अब देखिए कौन सा सीरीज है, क्योंकि बामर सीरीज है, तो यहाँ से वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इनफाइनाइट, थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर फाइव, और नाइन फोर जा 36, यानी लैम्डा आर इनफाइनाइट यहाँ से आप निकाल लीजिए, आर इनफाइनाइट आ जाएगा आपका 36 अपॉन 5 लैम्डा, ठीक है, यहां से आर इनफाइनाइट आ गया। अब आप क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन कहां से होगी, n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे आती है, और इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू r इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। आप जानते हैं क्या आएगा, ये आएगा 3 बाई 4 r इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 r इनफाइनाइट, यहाँ r इनफाइनाइट की वैल्यू ले आकर रख दीजिए तो आ जाएगा 4 अपॉन 3 r इनफाइनाइट यानी 36 इंटू 5 लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 9 जा 36, तो आ जाएगा 5 अपॉन 9 इंटू 3 27 लैम्डा, तो ये आपका लैम्डा डैश आ गया 5 अपॉन 27 लैम्डा, ठीक है। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है, देखिए बामर सीरीज था तो बामर सीरीज में जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा ज्यादा होगी किसके मुकाबले, लाइमन सीरीज से। तो बामर सीरीज में वेवलेंथ लैम्डा आई थी लेकिन लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 5 अपॉन 27, ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर एक से छोटा है, तो अगर लैम्डा में मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा डैश पक्का लैम्डा से स्मॉल आएगा, इसका मतलब ये आंसर जो आपका है यही प्रॉपर आंसर है, ठीक है। तो अगर दो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप वहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं,
ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब बोर्स मॉडल से ये सॉल्व कीजिए, और इफ अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कोफिशियंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज। बहुत आसान है, अगर किसी ने पिछला लेक्चर देखा है तो वो फाइन स्ट्रक्चर कोफिशियंट ही सिर्फ समझ के जान जाएगा कि इसका डी वाला ऑप्शन सही है। खैर एक बार और आपको बता देते हैं, जस्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंसीडर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कोफिशियंट। तो अल्फा अगर फाइन स्ट्रक्चर कोफिशियंट है, तो यहीं से मैंने आपको बताया था कि अल्फा होता क्या है, अल्फा जो होता है आपका वो होता है v नॉट अपॉन c, जहां v नॉट क्या है, v नॉट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। और बोर्स ऑर्बिट होती क्या है, बोर्स ऑर्बिट क्या होती है, बोर्स ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ही होती है। तो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज, ठीक है, तो यानी कि v नॉट आपसे पूछ रहा है, तो v नॉट क्या होगा, अल्फा इनटू c। क्लियर है, एक बार और आपको बता देते हैं कि ये v नॉट की वैल्यू होती है e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन h, और यहीं पर आप c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और चीज होती है अल्फा इज इक्वल्स टू 1/137, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कल का मेरा लेक्चर देखिए, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर 3, ओके। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का नहीं, इसका बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन, इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है, पर फिर भी इन्होंने बता दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी आपकी हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम इज। तो ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण ये है कि मैं आपको बता सकूं कि पॉजिट्रॉनियम आयन क्या होता है, ठीक है, एक और आयन हम देखेंगे म्यूऑनिक आयन क्या होता है, पर उसको भी क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे, ठीक। तो देखिए पॉजिट्रॉनियम आयन क्या है, नॉर्मली अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक एटम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रोटॉन का मास जो आप जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये चीज होती है। और अब क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, तो पॉजिट्रॉनियम क्या होता है, पॉजिट्रॉनियम असल में पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल, ठीक। आप जानते हैं एंटी पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है मास सेम रहे, ठीक है, मास सेम रहे और चार्ज भी सेम रहे, बस नेचर अलग हो, ठीक है, नेचर डिफरेंट, ठीक है। पर प्रोटॉन के केस में मास चेंज होता है, ठीक है, चार्ज बराबर होता है लेकिन मास अलग 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 होता है। यहां पर पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना 9.1 × 10⁻³⁻¹, यही पॉजिट्रॉन का भी मास होगा, ठीक है, और चार्ज भी उतना ही होगा, यानी प्लस ई पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा और माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो ये एंटी पार्टिकल है। अब क्या हो, मान लीजिए कि एक पॉजिट्रॉन है जो सेंटर पे आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगे, तो इस तरह से जो आपका एटम बनता है इसी को पॉजिट्रॉनियम एटम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉनियम एटम कहते हैं। अब कह रहा है कि इसी पॉजिट्रॉनियम एटम के लिए आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। देखिए
हाइड्रोजन एटम का जब आप कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप रिड्यूस्ड मास निकालें, ठीक है, म्यू एच कर देते हैं, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए रिड्यूस्ड मास निकालें तो क्या आएगा आपका, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1836 me प्लस me, ठीक है, ये कुल मिलाकर 1836 अपॉन 1837 इनटू me आ जाएगा, ठीक है, ये रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है। और इस रिड्यूस्ड मास को जब रखा गया, तो देखिए ये चीज लगभग आपकी लगभग me के बराबर है, आप जानते हैं ये क्वांटिटी कितनी थी, 0.9994 me, ठीक है, तो इसको लगभग me के बराबर आप मान लीजिए, म्यू एच लगभग me के बराबर, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन रखा गया तब आपका एनर्जी आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन रखने के बाद, ओके। अब देखिए दूसरा, अगर आप पॉजिट्रॉनियम एटम के लिए लें तो फॉर पॉजिट्रॉनियम एटम के लिए हो जाएगा म्यू ऑफ पी कर लेते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के ही, तो आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन me प्लस me, ठीक है, या देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, me स्क्वायर और 2me, तो आ जाएगा 1/2 me, तो म्यू पी क्या आ गया, म्यू पी 1/2 me आ गया, ठीक है। अब आप एक और चीज जानते हैं, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है, अभी से मिटा देते हैं, ठीक है, एनर्जी जो होती है बाइंडिंग एनर्जी मतलब किसी भी एटम के पास जो उसके उस स्टेट में एनर्जी है, जैसे मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो अगर इतना एनर्जी इस एटम को दे दिया जाए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी का अगर फोटोन आ जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या हो जाएगा, इसके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये कहाँ चल जाएगा, आयनाइज्ड स्टेट पे, यानी कि ये बाउंड, अपना बॉन्ड तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन एटम से अपना बॉन्ड तोड़ दिया, इसीलिए इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इसीलिए कहते हैं इसको। तो अभी बाइंडिंग एनर्जी जो है वही स्टेट की एनर्जी है, वो हाइड्रोजन के लिए है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये कब आया है, जब ये me आपने रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब आप μp रखिएगा तो वो me by 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको किस तरह से हम दिखाएंगे, उसको लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू me, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम एटम प्रोपोर्शनल टू me by 2, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम अपॉन बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू me by 2 अपॉन me, आ जाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी होती है, होता है e इज इक्वल्स टू -mz² e^4 अपॉन 8ε0² h स्क्वायर n स्क्वायर, e प्रोपोर्शनल टू m होता है, ठीक है, और m की जगह ही आप म्यू वगैरह ले आके रखते हैं, ठीक है, तो e प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा, वहीं से ये ले आकर रखा गया है। अब देखिए me by 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम क्या हो जाएगा, 1/2 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 13.6/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6.8,
ये वाला ऑप्शन 13.6/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आपने देखे, पहला कि पॉजिट्रॉनियम आयन होता क्या है, दूसरा चीज आपने देखा कि आप किस तरह से रिड्यूस्ड मास का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है एक बार फिर से देखिएगा, देखिए क्या किया गया है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला गया है, पॉजिट्रॉनियम एटम के लिए निकाला गया है रिड्यूस्ड मास, और हम जानते हैं कि जो आपका एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है आपके मास या रिड्यूस्ड मास के। ठीक है, तो बस वहीं पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन लिखा और डिवाइड करके आंसर पा लिया। ठीक, ये आपका ए आंसर सही होगा, जस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखते हैं।